टू आवर चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का फिर से एक स्पेशल व्लॉग होने वाला है क्योंकि आज नेशनल डे है और यहाँ पे नेशनल डे बहुत अच्छा होता है सिंगापुर में, तो वहीं मैं आज इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ कैसा होता है। उसको पूरा एंड तक व्लॉग को देखना ताकि आप यहाँ से इंजॉय कर सको, घर बैठे यहाँ का इंजॉय कर सको। आज यहाँ पे पूरा का पूरा सिंगापुर यहाँ पे आके बैठे। अभी यहाँ पे नेशनल डे जो है उसका सबका प्रेजेंटेशन चलने वाला है, जैसे फाइटर फ्लाइट सब कुछ। तो इसके लिए कैमरा मैन एंड यहाँ की लुक एट द पब्लिक, जो सब लोग अपना घर बार छोड़ के यहीं पे बैठे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही है, कि यहाँ पे आ गया फाइनेंस सेंटर एंड वहाँ पे क्लार्की एंड इस साइड में जो है एनडीएस आ गया और यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस चल रहा है। और बीच में जो रिवर एरिया है तो उसके चारों तरफ बाउंड्री है, तो सब लोग वहीं पे हैं और वहीं से जाके देखते हैं। और अभी यहाँ पे प्रैक्टिस होने वाली है साथ। तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं जो एग्जैक्टली वहाँ से यहाँ है, और यहाँ पे जो दूर वहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे मेला लगा हुआ है, उसकी टिकट्स है एप्लीकेबल, जो कि जो एमबीएस का जो गेट है उसके सामने हो, जो शॉपिंग सेंटर है वहाँ पे है। अभी हम प्रैक्टिस के बाद में यहाँ पे अंदर की साइड आ गए एमबीएस के, जो कि मॉल है। तो ये क्राउड जो देख रहे हो यहाँ पे, सब लोग नीचे बैठ जाते हैं, वेटिंग लिस्ट में जो क्यू लगा हुआ रहता है वो यहाँ पे बैठ जाते हैं। उसका मेन रीजन है यहाँ की सफाई, इसीलिए सब लोग नीचे बैठे रहते हैं। लुक एट द क्राउड, जैसे ऐसे लग रहा पूरा का पूरा सिंगापुर यहीं पर आके बैठ गए हो। तो अभी यहाँ पे पूरा का पूरा क्राउड फायरवर्क के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो फ्लाइट वगैरह था उसका हो गया है और अभी सब लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं। बस अभी 5-10 मिनट में चालू होने वाला है।
आने के बाद में यहाँ पे क्राउड को मैनेज करने के लिए काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट किए हुए रहते हैं। तो जैसे यहाँ की ट्रेन और बसेज है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से, ऐसे नहीं कि क्राउड की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किए हुए हैं। ये अभी पूरा यहाँ का होने के बाद में क्राउड जाता हुआ घर पे।